नाम की महिमा हो आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम ध्यान देंगे धर्मी याकूब के बारे में। इनका जन्म 1वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ, मृत्यु 92वीं ईस्वी। मूल स्थान वर्तमान इसराइल, दर्शन यरूशलेम यहूदिया। बाइबल में तीन लोग यरूशलेम में प्रारंभिक मंडली के स्तंभ के रूप में खड़े थे, प्रेरित पौलुस और यूहन्ना के अलावा याकूब उनमें से एक थे। हालांकि बाइबल में याकूब को प्रभु यीशु मसीह के भाइयों में से एक के रूप में उल्लेख किया गया है, लेकिन यीशु की मृत्यु तक उन्हें परमेश्वर का पुत्र नहीं माना। हालांकि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद उन्होंने प्रभु पर विश्वास करके अपना जीवन समर्पण कर दिया। याकूब उनमें से एक थे जिन्हें यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद दिखाई दिए थे। हालांकि याकूब मूल 12 प्रेरितों में से एक नहीं थे, लेकिन उन्हें भी प्रेरित कहा गया है। वे शुरुआती गलीशिया के एक प्रमुख व्यक्ति थे और यरूशलेम की परिषद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब गलीशियाओं में मूसा के धर्मशास्त्र को लेकर अंताकिया के गलीशिया में भ्रम पैदा हुआ, तो याकूब ने धैर्य से सभी के विचारों को सुना, अपनी राय दी और सब मुद्दों को सौहार्दपूर्वक हल किया। जिस तरह से उन्होंने उस परिस्थिति को संभाला, वह उनके शास्त्रों के ज्ञान और समझ, उनके विवेक, गलीशिया के भीतर शांति बनाए रखने की उनकी इच्छा और मजबूत निष्पक्ष नेतृत्व का निदर्शन था। तदनुसार अन्य जातियों ने उद्धार पाए मसीहों को एक पत्र लिखा गया था, जो विश्वासियों को रीति रिवाजों के साथ खुद को बोझ ना देने और उन्हें मूर्ति पूजा और व्यभिचार से संबंधित किसी भी चीज का हिस्सा ना बनने का निर्देश देता है। याकूब को बाइबल के याकूब की पत्री के संभावित लेखक के रूप में माना जाता है। यह पत्री विश्वासियों को स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करने, सांसारिक सुखों को त्यागने और गरीबों के प्रति विचारशील होकर अपने विश्वास को दैनिक जीवन में प्रकट करने के लिए आग्रह करती है। इनके विशाल प्रार्थना जीवन ने उनको घुटनों को इतना कड़ा बना दिया था कि उन्हें ओल्ड कैमल नीज कहा जाता था। याकूब, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट स्वभाव के कारण जेम्स द जस्ट का नाम प्राप्त किया, वह अपने प्रभु के लिए एक शहीद के रूप में इस दुनिया के सफर को अंत किया गया। प्रिय मित्र, परमेश्वर के वचन आपको ज्ञान और समझ कैसी है? प्रभु मुझे प्रार्थना और वचन में गहराई से निहित होने में मेरी मदद करें, ताकि मैं आपकी गलीशियाओं में शांति के लिए प्रयास कर सकूं। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।